नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द गोविंद फूड। मैं गोविंद। हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि आकाश सर फ्रॉम दिल्ली। उनका तीन बांसुरी रिक्वायरमेंट था हमारा, हमको बनाने के लिए बोला, तो उसका बनाना हमारा खत्म हो गया और ट्यूनिंग फाइनल भी हो गया। थोड़ा बहुत बजा के दिखाएंगे किस प्रकार से हमने इनको बनाया। और बेसिकली इन्होंने तीनों बांसुरी की जो थ्रेडिंग है एक ही मांगा, इस प्रकार से जो एक ही प्रकार के हैं, ये ई बेस, ये जी बेस और ये सी मिडिल। तो ये तीन बांसुरी का बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही होगा। इसका जो रॉ बैम्बू है वो असम बैम्बू है, मोस्टली असम बैम्बू से ही सारा दुनिया का बांसुरी बनते हैं, मोस्टली जो हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट है वो। और एक बात है, ये सीजन के हुआ बैम्बू है। सीजन के हुआ मीन्स लाइक आपको बाम्बू काटने के बाद 3 से 4 साल आपके पास रहना चाहिए, फिर उसके बाद वो बनाना पड़ता है, तो जाके उसका ट्यूनिंग ठीक रहता है, आगे जाके बाम्बू खराब नहीं होता। अगर खराब होने का है तो पहले हो जाता है, या कीड़ा आ गया बांसुरी के अंदर, तो इस प्रकार। तो तीनों बांसुरी ई बेस, जी बेस एंड सीमिटिन, ये तीनों बांसुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोग स्टार्टिंग जो कोई बंदा सीख रहे हैं बांसुरी बनाना या बजाना, बांसुरी बजाना नॉट लेकिन मेकिंग, बजाने के लिए स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से जो होता है हमारा सी मिडिल। सी मिडिल एक बहुत ही अच्छा स्केल का बांसुरी है, इसको साइज में भी छोटा है, कंफर्ट है पकड़ने का। स्टार्टिंग में बड़ा बांसुरी कोई नहीं पकड़ सकता है, और बड़ा बांसुरी फिंगरिंग थोड़ा इसका डिस्टेंस होता है, तो जब जितना जितना बांसुरी की लंबाई बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से बांसुरी का जो फिंगर का डिस्टेंस है, फिंगर्स होल्ड, तो उसका भी डिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले आप जहाँ से भी स्टार्ट करो, आप सी मिडिल से स्टार्ट करो, सी मिडिल का बांसुरी लो, मेरे से मतलब जहाँ से भी लो आप सी मिडिल से बांसुरी, बांसुरी ट्यून में होना चाहिए। सी मिडिल आप जब अच्छा बजा लेंगे, स्टार्टिंग में बजाने के बाद थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं कि मेरा अच्छा हो रहा है, मैं चेंज करूँगा बांसुरी को, उस समय आप जी बेस ले सकते हैं। जी बेस का लंबाई लगभग 26 इंची, 25 से 26 इंची होता है, और इसका फिंगरिंग उससे भी थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। तो बांसुरी बहुत सारे लोग लेते हैं मेरे से, लेने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से बांसुरी को होल्डिंग करें, मतलब पकड़े, किस प्रकार से पकड़े उसको, उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे छोटा बांसुरी में क्या होता है, छोटा बांसुरी में फिंगरिंग पास पास होता है, तो इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, ठीक है। छोटा बांसुरी में आप फिंगरिंग का ये जो उंगली का सर है इससे पकड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा जो बांसुरी होता है धीरे धीरे जो इसका लंबाई बढ़ता है, जो भी बेस फ्लूट होता है अलग अलग साइज का, उसके हिसाब से जैसे ई बेस का है, इसका डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है इससे, तो ई बेस को पकड़ने के लिए हम इस प्रकार से नहीं पकड़ सकते उंगली के सर से। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो बांसुरी को किस प्रकार से आप हैंडल करेंगे, बेस बांसुरी जो बड़ा बड़ा साइज का होता है उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले बांसुरी का जो सिस्टम है पकड़ने का, ये 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 और ये, आप ध्यान से देख ले, ये और ये इसका सर, इस प्रकार से, सी इसी का भी सेम इसी प्रकार से। अगर इस प्रकार से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा आगे जाके जो लंबा वाला बेस बांसुरी है उसमें। तो इस प्रकार से बांसुरी पकड़ने से बहुत इजी है, सी बांसुरी को इस प्रकार से नहीं मत पकड़ो स्टार्टिंग से। आप छोटा बांसुरी आप जो बजा रहे हो आप लोग, तो उसी प्रकार से आप इस प्रकार से ना मत पकड़ो, इस प्रकार से मत पकड़ो, हर टाइम इस प्रकार से पकड़ो, इसमें पकड़ने में इजी है, से इजी। आगे जाकर आपका ये टेक्निक बहुत अच्छे काम आएगा, आगे जितना भी बड़ा बांसुरी हो आपको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पॉइंट अच्छा है जो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा बहुत। बेस बांसुरी जो कि है ई बेस का बांसुरी, इसका लंबाई है 30 इंच, इसका बनावट जो है उसका असम बैम्बू फ्लूट, और इसका कॉर्क हमने यूज़ किया है वुडन का, जो कि साउंड के लिए बहुत अच्छा है। और
बस यही, बस बैम्बू आपका अच्छा होना चाहिए। और एक बात है, अभी भी चर्चे में चल रहे हैं बहुत सारा, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, वो अपने अपनी इच्छा है, जो कि फ्राई बैम्बू। फ्राई बैम्बू अगर आपका बांसुरी सीजन किया है लगभग 3 से 4 साल या 5 साल, बांसुरी बैम्बू आपका सीजन किया है, तो ये फ्राई बैम्बू आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, या आग पे जला के आपको ब्लैक करके उसका कुछ नहीं पड़ता है। 5 साल रहने के बाद बांसुरी के अंदर जो जो पानी टाइप का कुछ होता है वो निकल जाता है, तो बांसुरी सीजन करने के लिए आपको वो आग में डालना नहीं है। तो अभी बहुत सारा बांसुरी मेकर बन गया कि कहाँ से भी बांसुरी का बैम्बू मंगा ले कच्चा वाला, तो उसको आग में डालते हैं, सीधा करने के लिए आग में डालते हैं, बहुत सारा बैन होता है। तो और मैंने पंडित जी श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी को कभी देखा नहीं कि फ्राई बैम्बू बांस का बांसुरी, काला वाला बांसुरी ऐसे कुछ बजा रहे हैं। तो बहुत सारा पंडित जी लोग हैं, उस्ताद जी लोग हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान क्लासिकल में बांसुरी के उसमें मैंने कभी देखा नहीं कि उन लोग जो फ्राई बैम्बू का बैम्बू बांसुरी बजा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये फ्राई वराई कुछ नहीं चाहिए, आपका बैम्बू अगर आप नेचुरली सीजन किया हुआ है तो उससे आप बनाएं और बजाइए और लीजिए। चलो, हमारा जो तानपुरा है ई बेस में है। ये ई बेस का बांसुरी है, कितना लंबा है देखिए। यमन के ऊपर है, माँ इसका तीव्र। अभी जीव इसका बांसुरी को ट्यून करते हैं। सबसे पहले जो हमारा तानपुरा है इसको चेंज करेंगे। तो जीव बेस में भी ऐसा ही है, थ्रेडिंग सेम, बांसुरी वुडन कॉर्ड का है।
इसका बांसुरी है, इस बार हम इसी मिडिल इसको ट्यून करेंगे। तो दोस्तों ये बांसुरी आप लोगों का साउंड आप लोगों को कैसा लगा, और इस वीडियो आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बांसुरी के संबंधित जानकारी इस चैनल में देते रहते हैं। बांसुरी प्लेइंग बिगिनर्स फॉर कैसे बांसुरी बजाना स्टार्टिंग करना है, और फॉर द बांसुरी मेकिंग ऑल्सो, बांसुरी मेकिंग के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं घर में कैसे बनाएंगे तो उसका भी वीडियो हम डालते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मेजरमेंट होता है, बांसुरी का सारा डिटेल्स होता है, तो अगर आपका इच्छा है तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।